सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी के पर्यटन गांव खिरसू पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम रावत का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने 3 दिवसीय शरद उत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के 10 महीने पूरे होने पर मुख्यमंत्री अभी से अपना रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि 10 महीनों में सरकार द्वारा किए गए जनहित कार्यों को पेश किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री रावत ने बताया कि 2 महीने के बाद रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। देहरादून में 2 दिवसीय अपनी सेना को जाने मेला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आर्मी सेना द्वारा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेनाओं और आमजन के बीच दूरी को कम करने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में सैनिकों द्वारा युवाओं और आम लोगों को सेना के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। चमोली के पीपल कोटी में स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ द्वारा अस्पताल का लोकार्पण किया गया। इस दौरान 1 दिवसीय शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया है। वहीं अस्पताल का लोकार्पण होने के बाद स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा गया। रुद्रप्रयाग में वसंत पंचमी के पावन पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने पारंपरिक लोक गीतों और लोक नृत्यों का आयोजन किया। वहीं विद्यालय में सुंदरकांड पाठ और हवन यज्ञ जैसे अनुष्ठान भी किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।